हेलो एवरीबडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी एजुज्ञान में। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अवेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। आज आपकी फर्स्ट काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कैटेगरी वाइज उनकी कितनी कट ऑफ रही है। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया ऑफिशियल वेबसाइट पे से। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले क्या है, यहाँ पे कॉलेज वाइज आपको तीन कॉलेज है आपका, एक हिसार के अंदर है, कोल के अंदर और बावल के अंदर है। तीनों कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ रही है वो डिस्कस करेंगे। तो आपके जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एक आपको एंट्रेंस टेस्ट के नंबर दिखाई दे रहे हैं और आपके एक परसेंटेज आपके प्लस टू के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो 78 मार्क्स रही है आपकी जनरल कैटेगरी की हिसार कॉलेज के अंदर, और एसएससी कैटेगरी की 64, और अगर आप डीप्राइव्ड एसएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ओनली रही है 51 मार्क्स, और बीसीए कैटेगरी की 70 नंबर, बीसीबी की 73, और आपका ईडब्ल्यूएस की 72 रही है। उसके बाद में अगर आप कोल कॉलेज की बात करें तो 77 जनरल कैटेगरी के लिए और एसएससी कैटेगरी के लिए 64, और डीप्राइव्ड एसएससी के लिए 50, और बीसीए कैटेगरी के लिए रही आपकी 69, और बी सी बी कैटेगरी की रही आपकी 72, और ई डब्ल्यू एस की रही आपकी 71। उसके बाद में अगर हम बावल कॉलेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी की है 76, एसएससी कैटेगरी की 63, और आपकी डीप्राइव्ड एसएससी कैटेगरी के लिए 48 मार्क्स रहे हैं, बहुत ही कम है इनके लिए, और बीसीए के लिए 68 और बीसीबी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70। तो ये थी फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ। इन कैंडिडेट के जितने भी मार्क्स आए हैं इतने उनका क्या है, सीट अलॉटमेंट आ गया है, वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको क्या है प्रोसीजर, अब जाना पड़ेगा वहाँ पर, आपका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन भी स्टूडेंट के प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए उनका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो भी सीट वैकेंट रहती है उनके सेकंड अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, यानी कि सेकंड काउंसलिंग होगी। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी कितनी कट ऑफ रहती है। तो वन बाय वन जैसे ही प्रोसीजर चलता है आपको डिटेल में वीडियो मिलती रहेगी। तो इसमें कुछ दो नोट भी दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल एट देयर लॉगिन एंड सबमिट फी एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको क्या अपना सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है, आप अब जो लॉगिन करोगे वहाँ पे तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी फीस है वो सबमिट करनी है। द रिजल्ट ऑफ एडिशनल सीट्स एल डी वी स्पोर्ट्स कोटा वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी डिक्लेयर्ड इन सेकंड कट ऑफ। अगर आप एल डी वी लैंड डिनोटेड विलेज से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा या यूनिवर्सिटी वार्ड के एम्प्लॉय हैं, तो उसकी जो रिजल्ट है वो सेकंड कट ऑफ है उसके अंदर क्या है आपका डिक्लेयर किया जाएगा। तो आई होप आपको क्या है वीडियो पसंद आई होगी, कट ऑफ के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कितने स्टूडेंट का किस नंबर पर क्या है सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई अपडेट में। थैंक यू गाइज।